हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। गुजिया तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं बिना सांचा के और मावा और सूजी का ये गुजिया बनाऊँगी, वो भी बहुत टेस्टी। और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपकी गुजिया जो है ख़राब ना हो, काफ़ी समय तक चले और बहुत ही सॉफ्ट बने। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी गुजिया। तो यहाँ पर देखिए, गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बाउल ये आटा है, आटा को मैंने पतले वाले छन्नी से छान लिया है। मैंने यहाँ मैदा का यूज़ नहीं किया है, तो आटा से आप कैसे मैदा बना सकते हैं उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैन डाल दिया है। मैन आपको बहुत ही अच्छे से डाल देना है ताकि जो ये गुजिया है बहुत ही सॉफ्ट बने। तो एक बड़े कटोरी में मैंने एक छोटी कटोरी, पूरा फुल कटोरी मैंने ये, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें मोइन डाल दिया है। और इसको बहुत ही अच्छे से आपको मिलाना है और हाथों से इसको चला के बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। आपको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये लगे कि आपने इसको घी में ही, मतलब इसको आटे को लगा लिया है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से लग चुका है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अभी तक मैंने इसमें थोड़ा भी पानी नहीं ऐड किया है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से लग चुका। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो आप गुजिया का जो परफेक्ट डो है वो आपको इसमें पूरा टिप और ट्रिक्स बताएंगे कि गुजिया का परफेक्ट डो कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, गुजिया का डो एकदम रेडी हो चुका है। अब आप इसे किसी गीले कपड़े से या किसी भी सूती कॉटन कपड़े से आप इसको ढक के रख दीजिए इस डो को। तो ये देखिए, मैंने डो को इस तरह से हमको ढक के रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डो को ढक दिया है और इधर देखिए मैंने मावा लिया है। तो ये 250 ग्राम मावा है। ये देखिए, ये मावा है 250 ग्राम। इसको एक बड़े बर्तन में आपको डाल देना है। और भुनी हुई सूजी, ये देखिए मावा, और ये देखिए मैंने मावा और भुनी हुई सूजी डाल दिया है। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर देखिए, मैंने नारियल का भूरा लिया है। तो ये देखिए, जो इसका मसाला बनता है वो परफेक्ट मसाला और परफेक्ट इसका जो डो गुजिया का है। बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछे थे कि आप ये कैसे बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो ही बना दिया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दिया है। तो इसमें चीनी आप अपने मीठा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ एक बाउल मैंने ये चीनी को लिया है, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसको भी हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार ये गुजिया बनती है, तो अक्सर लोग होली पर बनाते हैं। आप इसे किसी भी व्रत त्यौहार पर बना सकते हैं। तो लेकिन बहुत लोग को पता नहीं कि परफेक्ट तरीके से इसका जो गुजिया का जो डो लगता है उसका, और जो इसमें आप डालते हैं ये जो इसका मिश्रण वो। तो इसमें देखिए, मैंने आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप उसको डाल दीजिए और बस इसको बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, डो भी रेडी हो चुका है और जो इसमें भरा जाएगा ये भी रेडी हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ रेडी हो चुका है। तो आगे के प्रोसेस में, यानी कि अब हम इसकी पूड़ियाँ बेलेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ ले लेनी है। इसमें कोई परथन या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने देखिए, परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए आपको मोयन बस बहुत ही अच्छे से देना है। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से, ये आसानी से आपको दिख रहा होगा कि इसको बेल दे रहे हैं। इसमें कहीं कुछ भी मैंने नहीं लगाया है और बस आपको हाथों में ऐसे ले लेना है। इसके भरवन को 2 चम्मच, बहुत ही अच्छे से 2 चम्मच आपको डाल देना है। तो ये देखिए, मैंने भरवन डाल दिया है और अब हम इसमें देखिए इस तरह से मोड़ के हमको पानी लगाना है। तो पानी लगाना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, मैं पानी ले लूँगी और इसके किनारे किनारे बहुत ही अच्छे से पानी को लगा लेंगे। ये देखिए, किनारे किनारे पानी को लगा लिए हैं और इस तरह से दूसरा वाला किनारा पकड़ के आपको हाथों से दबा देना है ताकि ये चिपक जाए। तो बस इस तरह से हाथों से हम दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथों से दबा देंगे और अब हम ये देखिए डिजाइन बनाएंगे। तो वैसे ऐसे घुमाते हुए जाना है। ये देखिए, आपको फिर से दिखाते हैं, ऐसे घुमाते हुए जाना है। तो ये बिना सांचे के ये गुजिया बनती है और बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनती है। इस गुजिया को आप पूरे महीने भी आप रख सकते हैं, ये गुजिया नहीं ख़राब होगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही
गुजिया बनती है। तो ये देखिए इस तरह से सारे आपको गुजिया को बना लेना है। तो मैंने इस तरह से कपड़े पर सारे गुजिया को बना लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा हल्का सा तभी आपको डाल देना है इसमें। न आपको ध्यान रखना है न तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के तेल गर्म हो तभी आपको डाल देना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अभी शुरुआत में 4 गुजिया डालूंगी। तो इसके जो भरवन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके भरवन को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है या बहुत कम नहीं भरना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए बहुत ही फूले फूले बहुत ही अच्छे ये गुजिया बनते हैं। तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से सारे गुजिया को हम ऊपर नीचे उलट पुलट के सेक लेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इस तरह से हम सारे गुजिया को सेक लेंगे, बहुत ही शानदार ये गुजिया बनती है। तो ये देखिए ये गुजिया एकदम बन गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जितना आप इसका कलर जैसा रखना चाहें उस हिसाब से आप गुजिया को ऐसे फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी गुजिया बन गई है। दूसरा वाला बैच डालेंगे। तो ये देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है अब दूसरे बार में आप एकदम लो रखिए क्योंकि ये काफ़ी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो देखिए दूसरे वाले में मैंने 5 डाला है और ये देखिए मैंने जितना आप अच्छे से इसमें डाल सकें उतना आप डाल दीजिए और ऊपर नीचे करके बहुत ही अच्छे से गुजिया को सेक लीजिए। बहुत ही शानदार गुजिया देखिए बन के तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस गुजिया को आप महीनों रखिए, ये ख़राब नहीं होगी। तो आई होप कि आपको परफेक्ट गुजिया कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।